नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वाली पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो गिरोह लोगों को डरा धमका कर लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग अंजाम देता था। दरअसल इस गिरोह का जो मॉडस ऑपरेटिंग था वो कुछ इस तरह था कि इस गिरोह में दो पुरुष और एक महिला थी। जो मामला खुला है वो वसई के पूर्व के एक बिल्डर का है। ये बिल्डर जो महिला है वो बिल्डर के ही घर में, मालकी घर में भाड़े पर रहती थी और दोनों उसके सहयोगी ने एक दिन, घटना 2022 की है, तब बिल्डर को उस घर पे बुलाया और वहां आकर बिल्डर को धमकाया कि तूने इस महिला के साथ अनैतिक संबंध बनाया जिसकी वजह से ये महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब हम इस मामले को पुलिस स्टेशन में ले जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करेंगे। अगर तुम अपने पर मामला नहीं चाहते हो तो तुम्हें हमको 2 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने बिल्डर को डराया धमकाया और ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। तब वह बिल्डर ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर 19,70,000 के करीब उनको पैसा दिया। उसके बाद भी इन लोगों में से एक आरोपी ने यह कहा बिल्डर से कि मुंबई में मेरी पहचान है और वहां तुमको सस्ता, अंधेरी में सस्ता जगह दिला सकता हूं। इसके नाम पर भी उसने 24 लाख रुपए इससे वसूले और उसका भी अपहार किया। इस तरह से लाखों रुपए ऐंठने के बाद जब बिल्डर को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसके साथ बड़ी फसावट हो रही है, तब बिल्डर मन ही मन पूरी तरह से टूट गया और उसने कहीं उसके मन में गलत ख्यालात आए, उसने खुद के साथ कुछ गलत करने का भी मन में सोचा। लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज करने की हिम्मत उस बिल्डर को तब नहीं हुई। बाद में उस बिल्डर ने यह बात अपने एक दोस्त के साथ शेयर की, तब उस दोस्त ने उसको कहा नहीं, तुम पुलिस में शिकायत दर्ज करो, और बिल्डर ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। बिल्डर की शिकायत पर वालियू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ विभिन्न धाराओं में। उसके बाद वालियू पुलिस स्टेशन की गुनाह शाखा ने इसकी तपास शुरू की और एक आरोपी को पहले हिरासत में लिया। उस एक आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उस आरोपी के बताए अनुसार एक आरोपी जो महाराष्ट्र था, भिवंडी से, उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद दूसरा आरोपी जो कि गुजरात के सूरत से था उसको हिरासत में लिया गुजरात जाकर, और साथ ही साथ जो महिला आरोपी राजस्थान की थी उसको राजस्थान में जाकर हिरासत में लिया। बाद में पुलिस ने सख्ती से इनसे पूछताछ की तो इस गैंग ने और भी लोगों को शिकार बनाए जाने की बात की कबूली की। जब यह मामला खुला और लोगों को मालूम पड़ी तब ऐसे ही एक पीड़ित ने और आकर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज की और इस तरह से इस गैंग के ऊपर एक मामला वो बिल्डर का था और दूसरा एक और मामला दर्ज हुआ और दो मामलों में पुलिस जांच कर रही है। इन बिल्डर के पास से पुलिस ने खंडनी की वसूली गई, कुछ कैश रकम बरामद की है। उसके साथ इनके पास जो गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां थी जिसे ये सब ऑपरेट करते थे, वैसे 2 गाड़ियां, एक फॉर्चूनर और दूसरी एक गाड़ी पुलिस ने जब्त की है। ये लोग खुद को किसी संस्था का मेंबर भी बताते थे और अपनी गाड़ी पर संस्था का लोगो, वही वकालत का लोगो भी लेकर घूमते थे। फिलहाल ये तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर वाली पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या कुछ कहा वो सुनिए आप आगे वीडियो में। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। एक हनी ट्रैप का पर्दाफाश किया गया है, कैसे इनको ट्रैप किया गया? इसमें जो विक्टिम है वो बिल्डर है, उसने कंप्लेंट दी थी। जब उसको पता चला कि वो उसको फंसाया गया है तब उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन में सहायक पुलिस निरीक्षक सानव साहब ने उसने आरोपी को, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी और इन्फॉर्मर की मदद से और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से
एक पहले आरोपी एक आरोपी को पकड़ा, उसके बाद उसके इंटरोगेशन में दूसरे दो को, एक को सूरत से पकड़ा गुजरात से, दूसरे को राजस्थान से पकड़ा, ऐसे तीन आरोपी को उसमें अरेस्ट करिए। सर इसमें क्या क्या जब्त किया है और इसे इसमें कितने लोग शामिल थे? इसमें अभी तक जो पता चला है ये एक लेडीज आरोपी और दो जेंट्स आरोपी, ऐसे तीन आरोपी है। इन्होंने बलात्कार की झूठी कंप्लेन देने की देने का डर दिखा के उनके पास से, जो विक्टिम है वो बिल्डर है, बिल्डर के पास से 2 करोड़ रुपए का डिमांड की थी, उसमें से 19,70,000 रुपया आरोपी ने विक्टिम से लिया है, और दूसरे एक दो बहाने करके एक बार 24 लाख और 1,17,00,000 ऐसा पैसा भी वापस लिया है नफीस शेख ने। इसकी जांच चल रही है, जांच में अभी तक पुलिस ने 7,88,000 रुपया कैश, ये क्राइम के लिए जो गाड़ी टोयोटा फॉर्च्यूनर इस्तेमाल करी वो, और एक मारुति बलेनो कार है, ये सब जमा जब्त किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन के टाइम एक और विक्टिम ने कंप्लेन दी पुलिस स्टेशन में आके कि वो भी उसको भी फंसाया गया है, तो उसकी भी दूसरी कंप्लेन लेके उसका भी गुनाह दाखिल किया है और उसके भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।